ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दीपावली के बाद से नई मुसीबतें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बिदक गई है और इधर गुजरात में भी हालात ठीक नहीं है। पता चला है कि गुजरात बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है। हाल ही में राज्य में 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें गंवाने के बाद पार्टी आलाकमान नेताओं से नाराज है। उपचुनाव नतीजों के तुरंत बाद दिवाली के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नेताओं पर काफ़ी नाराजगी जताई। इसके अलावा एकता दिवस के मौके पर स्टेचू ऑफ यूनिटी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेताओं से नाराज दिखे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थानीय नेता को अपने साथ नहीं रखा। असल में उपचुनाव में 3 सीटों पर भाजपा की हार की बड़ी वजह पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो गुजरात बीजेपी के नेताओं के बीच काफ़ी कलह चल रही है, जिसे रोक पाने में विजय रूपाणी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में गुजरात बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए गुजरात की राजनीति पर पार्टी आलाकमान अपनी सीधी नज़र रखेगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महीने भर में एक बार गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह 15 नवंबर को वापस गुजरात आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी 21-22 नवंबर को वापस गुजरात आ रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात का मामला भी गंभीर होता जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।